अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन काली मिर्च ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्रीमी टेक्सचर वाली। चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 800 ग्राम चिकन, हड्डियों के साथ है। चर्बी निकाली मैंने, 2-3 पानी से धो के नितारने 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अभी बॉल में डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। आधा नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए, मीडियम साइज का था। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ ना 200 ग्राम दही ली है। अब उसमें से 1 टेबलस्पून भरकर दही डाल दीजिए और 1.5 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, ये काली मिर्च ना मैंने दरदरा पीसा है घर के अंदर, कुछ नहीं, मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे हल्का सा दरदरा पीस लीजिए। वही फ्रेशली कूटा हुआ कहिए या फ्रेशली ग्रिंड करा हुआ डाल दीजिए 1.5 छोटा चाय का चम्मच। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने के लिए आधे 1 घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो फ्रिज में भी ढक कर रख सकते हैं। ये है 1 मुट्ठी टाइटली पैक्ड धोई हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मैंने 1 हरी मिर्ची ली है, आप चाहें तो 2-3 ले सकते हैं, स्वाद अनुसार लीजिए। 1 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ली है, इसे रफली काट कर डाल रही हूँ। और ये तकरीबन ना 24 काजू थे, थोड़ी देर पहले मैंने इसे भिगाने रखा था पानी में। अगर आपके बहुत ज़्यादा बड़े होना काजू तो आप तकरीबन 15-16 ले सकते हैं। मैंने 24 लिए, मेरे छोटे हैं। ये है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। अब ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को ना मिक्सर जार के अंदर डालकर, पानी जो ये हमारे काजू में डाला हुआ है वो उसके साथ डालकर, मैं यहाँ 2 टेबलस्पून, मेरे पास बारीक कटा हुआ लहसुन है तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास साबुत लहसुन हो तो 7-8 कली डाल दीजिएगा और डालकर बहुत अच्छे से पीस कर साइड पर रख दीजिए। चिकन मैरिनेट करके 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पर 1-1.5 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए तवे के अंदर। और जब अच्छा गर्म हो जाए ना तेल, यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट करी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी डाल दीजिए। मेरा तवा बड़ा है तो मैं यहाँ सारी एक साथ डाल रही हूँ, आपका छोटा हो तो बैचेस में आप फ्राई कर सकते हैं। और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 3-4 मिनट तक फ्राई कीजिए, जब तक पीछे का जो हमारा साइड है ना चिकन का वो थोड़ा सा कलर चेंज नहीं कर देता और ग्रिलिंग स्पॉट्स टाइप नहीं आ जाते, तब तक 3-4 मिनट में तो हो जाएंगे। ये मैंने मैरिनेशन साइड पर रखा है बचा हुआ। 3-4 मिनट हो जाए तो ये सारी चिकन को पलट दीजिए कि पीछे का साइड भी ग्रिल हो जाए ना। अच्छा, यहाँ पर मैं चूल्हे को इस समय मीडियम आंच कर दूंगी और तकरीबन यहाँ पर भी 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। तो टोटल 7-8 मिनट तक आप उलट पलट करते हुए इसे दोनों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट दिला दें। और जब ये देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। अच्छे ग्रिलिंग स्पॉट्स आ गए ना, तो अब यहाँ पर मैं पतीली रख देती हूँ। चलिए, अब एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से। मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये कढ़ाई है ना, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है मुझे। 1 डंडी दालचीनी की, 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 काली मिर्च और 2 लौंग डाल दीजिए और हल्का तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। जब अच्छा हल्का तड़तड़ा जाए तो हमने जो पीस के रखा है मसाला वो सारा डाल दीजिए हमारे इसके अंदर, पतीली के अंदर। अब आप चाहें तो मीडियम आंच पर या फिर स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में ये जो मसाला है इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। इसी दरमियान में मैंने वो जो मैरिनेट करा हुआ, जो मैरिनेशन साइड पर रखा था जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था, वो भी डाल देती हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मैं 1.5 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का जो कूटा हुआ पाउडर है वो डाल देती हूँ, मैंने दरदरा जो पीसा था वो। और आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से बार बार चलाते हुए इसे स्लो से मीडियम आंच के दरमियान में भून लेती हूँ। सो दैट ये भूनना बहुत ज़रूरी है। अब जब अच्छा भून जाएगा ना तो तेल छूटने लगेगा, आप देखेंगे। और आप नोटिस करेंगे कि कलर भी डार्क हो गया है, पहले जो लाइट था, और तेल भी छूट गया है। तो अब यहाँ मैं डाल देती हूँ चिकन के सारे पीसेस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे डाल दीजिए। अच्छा, ये जो तेल है ये भी सारा डाल दीजिएगा, ये जो आपके तवे के ऊपर है इस तरीके से। और इसे चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आँच और चिकन को बार बार चलाते हुए ये मसाले के अंदर 1 मिनट तक भून लीजिए। अच्छा, 1 मिनट के भूनने के दरमियान में ही मैं यहाँ आधा छोटा चाय का चम्मच ये जो दरदरा पीसा हुआ काली मिर्चों का पाउडर है वो भी डाल देती हूँ और इसे चलाकर 1 मिनट तक भून लेती हूँ। जब 1 मिनट हो जाए तो हमने जो साइड पर 200 ग्राम दही रखी है वो सारी डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही रखिए और दही डालकर तकरीबन बार बार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लीजिए दही के साथ। चलिए 2 मिनट हो चुकी है, दही बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। तो मैं 1 कप पानी है ना मिक्सर जार के अंदर डालकर खंगाल कर इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रेवी के अंदर, और इसे एक बार चला लीजिए। नमक एडजस्ट करने जैसा लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिए, और चूल्हा चाहें तो फास्ट आंच कर सकते हैं, वैसे मेरा तो चूल्हा मीडियम पर है। और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 18-19 मिनट तक पकने दीजिए। आप पानी कम भी डाल सकते हैं। हाँ, मैंने 1 कप डाला, आप चाहें तो तकरीबन आधा कप जितना या पौना कप जितना पानी डाल सकते हैं। 17-18 मिनट हो चुके हैं, चिकन पक चुकी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा छोटे चाय का चम्मच कुटी हुई, यानी कि जो मैंने दरदरा पीसा था वो वाली काली मिर्च। आप चाहें तो 1/4 छोटे चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। खूब बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया। एक बार चला लीजिए, और ये बन गई हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी चिकन काली मिर्च ग्रेवी, एकदम सिल्की स्मूथी टेक्स्चर वाली। और इसे गर्मा गर्म एक प्याले में निकालें और सर्व करें। आप चाहें तो इसे पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। हरी मिर्च ये वाली रेसिपी के अंदर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और यहाँ पर मैंने इस रेसिपी के अंदर 1 कप जितना पानी डाला है चिकन जो गलने के लिए रखने के लिए। तो आप चाहें तो कम ग्रेवी चाहिए, आधा कप या 3/4 कप डाल सकते हैं। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।